हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो वर्निंग वुमनिया में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम जाने वाले हैं पर्रा रोड और ये हमारा अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। तो हम आज 2 घंटे में 3-4 जगह कवर करेंगे, जैसे कि पर्रा रोड हो गया, फिर अगोड़ा फोर्ट और फाउंटेनियंस लेन और कसिनो लेन। तो आपको मैं आगे दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए, ये हमारा पर्रा रोड आ गया है और जितना हो सके आप अर्ली मॉर्निंग आइए, बिकॉज यहाँ पे बहुत, मतलब जैसे जैसे दिन होते रहते हैं वहाँ पे भीड़ बहुत होने लगती है। तो आप अगर अपने गाड़ी से आए हैं, एक्टिवा या फोर व्हीलर, तो आप यहाँ पे पार्क कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे अगर आप बाहर ही अपना गाड़ी बाहर ही पार्क कर रहे हो तो आपको 500 फाइन लगेगा। आप यहाँ पे गाड़ी रोक नहीं सकते हो, बिकॉज यहाँ पे लोग फ़ोटोशूट के लिए मोस्टली आते हैं और यहाँ पे प्री वेडिंग के लिए भी बहुत लोग आते हैं। ये मूविंग रोड है, आप यहाँ पे मतलब अपनी गाड़ी को साइड में लगा के खड़े नहीं रह सकते हो, बिकॉज यहाँ पे हमेशा पुलिस लोग रहते हैं, चेक करते हैं तो फाइन कर देते हैं, फाइन मार देते हैं। तो अब जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी पार्किंग में ज़रूर लगाएं। देखिए ये सारे फ़ोटोशूट हो रहे हैं, तो आप भी आइए और फ़ोटो क्लिक कराइए। तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग में गए, अपने फ़ोटो शूट करा लिए, और जितना आप दोपहर में जाओगे, बहुत धूप ज़्यादा होगी, तो हो सके तो अर्ली मॉर्निंग में ही जाइए। देख रहे हैं आप लोग, ये दोनों साइड में पूरा कोकोनट ट्री है और हमारा अर्ली मॉर्निंग का मौसम भी बहुत अच्छा था। तो मैं आप लोग को रेकमेंड करूँगी आप लोग अर्ली मॉर्निंग आइए, जिससे आप लोगों का फ़ोटो बहुत अच्छा है। और दोपहर में आने से आप लोगों का ये होगा कि यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा आ जाती है, गाड़ियाँ भी आने लगती है और लोग बहुत भर जाते हैं, जिससे आप लोग के फ़ोटो अच्छे नहीं आते। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप मॉर्निंग में ही आइए, अर्ली मॉर्निंग। तो गाइस अब चलते हैं अगोड़ा फोर्ट की ओर। हमारा फ़ोटो वोटो क्लिक हो गया वहाँ पे, ज़्यादा टाइम हम लोग रुके नहीं, फ़ोटो क्लिक कराए और फिर वहाँ से निकल गए। देन ये हमारा अगोड़ा फोर्ट की ओर का रास्ता है। ये आ गया ताज। अगर आपका बजट अच्छा हो तो आप ताज में भी स्टे कर सकते हो। आपको ताज से डायरेक्ट एंट्री मिलेगी, एक्सेस मिलेगा यहाँ का बीच का भी और अगोड़ा फोर्ट का भी। तो आप अगर आ रहे हो तो यहाँ पे भी, अगर आपका मतलब बजट अच्छा हो तो आप यहाँ पे भी रह सकते हो। और ये हम लोग अर्ली मॉर्निंग ही आए थे, तो ये सारे स्टॉल, ये सारे छोटे छोटे स्टॉल जो थे शॉप के होंगे खाने पीने का, तो वो सब बंद थे। तो अभी और यहाँ के जो लोकल लोग रहते हैं यहाँ पे आके मॉर्निंग में एक्सरसाइज और ये सब करते हैं। तो अब देखिए ये पूरा, अगर आपको पूरा अगोड़ा फोर्ट का पूरा हिस्ट्री जानना है तो आप ये बोर्ड को पूरा मतलब अच्छे से पढ़ लें, आगे क्या है इसमें, सारे बोर्ड के बारे में, फोर्ट के बारे में लिखा हुआ है। और ये बोला जाता है कि ये फोर्ट में मतलब ये एशिया का लार्जेस्ट वाटर रिजर्व है, मतलब यहाँ पे पानी बहुत स्टोर करते हैं सबसे ज़्यादा, और यहाँ से बीच की भी एक्सेस है। तो अगर आपको बीच पे जाना है तो आप बीच पे डायरेक्ट जा सकते हो। और आगे चलते हैं फोर्ट की ओर। तो ये एक लोअर अगोड़ा फोर्ट है जो कि मतलब पानी के बीचों बीच में बना है। यहाँ पे लोग जो पहले रहते थे यहाँ से पूरा मतलब नज़र रखते थे कि पानी से कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वैसे उस हिसाब से उन लोग ने इसको बनाए थे। तो हिस्ट्री अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है तो वो हमारे वो जो मैंने आप लोगों को बोर्ड दिखाया वो आप जाके पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ से पूरा मतलब बीच एकदम अच्छा दिखता है और यहाँ पर भी फ़ोटोशूट होते हैं। और ये मॉर्निंग का टाइम था तो काफ़ी मतलब लोग बहुत कम थे यहाँ पे और शांति था। तो जितना हो सके आप लोग भी अर्ली मॉर्निंग आए ताकि आप लोगों को भी बीच का मतलब व्यू अच्छा मिले, और मतलब ज़्यादा भीड़ क्राउड अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो अर्ली मॉर्निंग आइए। चलिए मैं आप लोगों को फोर्ट के ऊपर लेके चलती हूँ, वहाँ से व्यू कैसा है सब दिखाते हैं आगे।
देखिए गाइस, यहाँ से फोर्ट के ऊपर से आप लोगों को पूरा व्यू पॉइंट, एकदम सेंटर व्यू पॉइंट है ये। इस यहाँ से आपको पूरा 360 डिग्री व्यू है। और यहाँ से अगर आप लोगों को सनसेट व्यू भी देखना है तो आप देख सकते हैं। यहाँ से सनसेट पॉइंट जैसे बना के रखे हैं, शाम को लोग यहाँ पे आते हैं सनसेट देखने। तो अगर आपको भी सनसेट देखना आना है अगवाड़ा फोर्ट से, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। और ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये पूरा ताज है। तो अगर आपका बजट अच्छा है तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। और यहाँ के पानी एकदम नीट एंड क्लीन रहते हैं एकदम। यहाँ पे आप एकदम पीसफुली मतलब एंजॉय कर सकते हो बैठ के। और गाइस यहाँ पे वाटर एक्टिविटी बहुत सारी होती है, बट यहाँ पे अभी हाई टाइड बहुत था तो, और ये मतलब ऑफ सीजन था तो ये लोग ने वाटर एक्टिविटी बंद कर दिए थे, वरना यहाँ से आप लोगों को सारी वाटर एक्टिविटी मिल जाती जो भी आपको करना होता। तो अब चलते हैं आगे की ओर, जो कि अपर फोर्ट है, अगवाड़ा अपर फोर्ट। तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं चलते हैं देखते हैं आगे। फिर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे एक्टिविटी होती है, डॉल्फिन ट्रिप होता है, अगवाड़ा जेल है, और ये पैलेस है मिलीनियर, और फोर्ट अगवाड़ा फोर्ट है। तो अगवाड़ा फोर्ट आपको मिडल जो पार्ट है मैं आपको आगे से दिखाती हूँ। आगे पूरा लाइट हाउस है और पैलेस भी है मिलेनियम, फिर आगे आके जो भी है मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे इसे पुराने ज़माने जैसे पूरा बना के रखे पूरे रोड पे, मतलब आप एंट्री करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ हम एक फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ये लेफ़्ट साइड में जो आप लोग को दिख रहा है ये मिलीनियर पैलेस है, और शायद यहाँ पे मे बी अभी मतलब रिनोवेशन का काम चालू था, तो बाद में आप अगर फ्यूचर आ रहे हो तो आपको एंट्री शायद मिले। और ये पूरा पैलेस दिखाएंगे शायद, टिकट विकेट होंगे इसके चार्जेस। तो अगर हम लोग गए तो वो अभी रिनोवेशन हो रहा था तो हम जा नहीं पाए। और ये सामने जो आप लोगों को दिख रहा है वो जेल है। अगर आप लोगों को जेल को मतलब वो लोग म्यूज़ियम जैसा बना के रखे हैं, उसके अंदर मतलब पुरानी पुरानी चीज़ें ये सब रखे हैं, तो अगर आपको जाना है तो आप टिकट लेके जा सकते हैं। हम तो गए नहीं, हमें इतना इंटरेस्ट नहीं था हिस्ट्री में जानने के लिए। तो अगर आपको हिस्ट्री पूरी जाननी है तो आप लेके जा सकते हो टिकट लेके। और यहाँ से पूरा व्यू ऐसे दिखता है, और वो जो पैलेस है वो भी आएगा आगे की ओर, मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये दिख रहा है ये मिलीनियर पैलेस है, तो शायद अभी बहुत ही बहुत ज़्यादा बड़ा है वो। तो जब इन फ्यूचर आप आ रहे हो तो ज़रूर जाइए, अगर आप लोगों को एंट्री एक्सेस मिल रहा है वहाँ का तो टिकट लेके जाइए, बहुत अच्छा व्यू है वहाँ से। और ये पूरा जेल है, और ये अगर आप आ रहे हैं तो ये सब पूरा दिन लग जाएगा देखने के लिए। हम लोग तो इसके अंदर गए नहीं, तो हमारा मतलब आज का इतना ही हुआ दिन का, एक दो घंटे में हम लोग बहुत सारी जगह कवर कर लिए। बट अगर आप लोगों को पूरा अगवाड़ा जेल और ये सब देखना है तो आप पूरे दिन के लिए अच्छे से आइए और टिकट लेके पूरी चीज़ें एक एक अच्छे से देख सकते हो। तो चलते हैं आगे लाइट हाउस की ओर, अपर अगवाड़ा की ओर। तो ये अपर अगवाड़ा फोर्ट है, तो यहाँ से आप लोगों को मतलब एंट्री अगर जाना है तो एक पूरा मतलब पहले कैसे होता था कि वहाँ से एक पूरी नज़र रखते थे कि कौन आ रहा है कौन नहीं, वैसे सेम ये भी है लाइट हाउस। आप अगर आपको जाना है तो आप ऊपर से जाके टिकट लेके ऊपर जा सकते हो, और ऊपर से आपको पूरा व्यू पॉइंट बहुत ही अच्छा दिख मिलेगा, और ओशन कितने दूर तक है वो सब पूरा नज़र आएंगे। तो पूरा एकदम 360 डिग्री आपको ऊपर से व्यू मिलेगा। तो अगर आपको जाना है तो आप लाइट हाउस का टिकट लेके जा सकते हैं। तो अभी गाइस चलते हैं नीचे की ओर।
जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ पे डॉल्फिन शो, डॉल्फिन मतलब एक्टिविटी, डॉल्फिन शो और सब जो होता है सारे एक्टिविटी वो आपको नीचे की ओर ही मिल जाएंगे। कायाकिंग और वाटर एक्टिविटी जो भी होती है, आपको बोट राइड करना है वो भी कर सकते हो। तो गाइज़ ये जब आप वगवाड़ा फोर्ट से नीचे की ओर आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा पूरा लाइन से बोट लगी हुई है। यहाँ पे आप कायाकिंग कर सकते हो, डॉल्फिन शो के लिए भी जा सकते हो डॉल्फिन देखने के लिए, बट जितना हो सके अर्ली मॉर्निंग ही जाइए। और वो भी आपके लक के ऊपर डिपेंड होता है कि आपको डॉल्फिन देखने मिलेगा या नहीं। बिकॉज वो लोग बोलते हैं कि जो मतलब मॉर्निंग में ही ज़्यादा करके डॉल्फिन दिखते हैं, तो हो सके आप मॉर्निंग में ही जाइए अगर आपको डॉल्फिन देखना ही है तो। पे सारे ये सब एक्टिविटी, यहाँ से टिकट अगर आपको लेना है तो यहाँ पे टिकट मिलता है सारे। यहाँ पे कायाकिंग भी होती है तो आप जाइए कायाकिंग करने। प्री ऑफ सीजन था तो ये सब थोड़े तीन टाइम के ये लोग ने बंद करके रखे थे अभी। तो गाइस अगर आप ये अगवाड़ा फोर्ट के पास रहना चाह रहे हो तो यहाँ पे नोवोटेल और वायु होटल और हॉलीडे इन ये सब पूरे बेस्ट होटल है, फाइव स्टार होटल है। और आपके अच्छे बजट है तो आप यहाँ पे जरूर रहिए। बिकॉज ये सेंटर पार्ट है नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा का, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिकॉज अगर आप कैब से जा रहे हो साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा, तो आपको मतलब कॉस्टली पड़ जाएगा वो 3-4,000 आपको बस जाने के लिए देना पड़ेगा, फिर आने के लिए देना पड़ेगा उतना। तो हो सके आप सेंटर में ही रहिए। तो और अगर आपको नहीं वहाँ पे जहाँ रहना है तो आप आर्टिस्ट्री सूट में भी रह सकते हैं, वो 2-3 मिनट ही दूरी पे है आगे। तो अब चलते हैं हम फाउंटेनियस रोड के यहाँ पे, जो कि पूरा कलरफुल हाउस जैसा बनाया है वहाँ पे, जैसे ओल्ड गोवा। तो चलते हैं ओल्ड गोवा में क्या क्या है फ़ोटो क्लिक के लिए, वो जो इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ही वायरल हो रहा है आजकल। तो देखते हैं वहाँ पे कैसे है, वो भी एक मतलब रेजिडेंशियल एरिया ही है, बट आप देखिए कैसा आप लोगों को लगता है। और ये सब जो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे राइट साइड में पूरा कसिनो का है, मैं वो भी आपको आगे दिखाती हूँ। ये सब पूरा कसिनो का लाइन है, लेन है। और ये ब्रिज बनाया है उन लोगों ने ऊपर, और आप ऊपर नहीं जा सकते हो, टू व्हीलर के लिए अलाउड नहीं है, फोर व्हीलर है तो ही आप ये ब्रिज को एक्सेस कर सकते हो। तो ध्यान रखिए वरना आप टू व्हीलर जिसको पता नहीं रहता है वो ऊपर चढ़ जाते हैं और फाइन लगती है बहुत ज़्यादा। तो ये हम ओल्ड गोवा में एंट्री कर लिए हैं। देखिए गाइस ये पूरा सब लोग यहाँ पे फोटो क्लिक कराने के लिए आते हैं। यहाँ पे पूरे कलरफुल घर बना के रखे वो लोग, ये रेजिडेंशियल एरिया है बट लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे फोटो क्लिक करने के लिए। हम भी गए देखने कि यहाँ पे कैसे हैं क्या है, बट हमें इतना अच्छा नहीं लगा बिकॉज हम फुकेट गए थे तो वो ओल्ड टाउन ऐसे ही था, बट इससे बेटर था वो। बट ठीक है, जिसके लिए मतलब अगर आप यहाँ पे आ रहे हो फोटो क्लिक के लिए तो मतलब ध्यान रखिए कि किसी को मतलब ज़्यादा शोर शराबा ना करें यहाँ पे, बिकॉज ये रेजिडेंशियल एरिया है। और बहुत सारे घर के बाहर तो लोग ने बोर्ड लगा के रखे भी है कि यहाँ पे फ़ोटो अलाउड नहीं है, तो आप वो सब चीज़ों का ध्यान रखिए बिकॉज मतलब बहुत वो प्रॉब्लम हो जाती है। ये सब पूरा मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक गली में घुसे और आप लोगों को पूरा दिखे, यहाँ पे अलग अलग लेन्स है, अलग अलग गली है, तो आप अलग अलग गली में जा सकते हो और वहाँ पे अलग अलग कलरफुल घर बना के रखे हैं जिससे आप फोटो क्लिक करा सकते हो। हम लोग भी पहले गए तो हम लोग को अच्छा नहीं लगा कि ये कैसा है पुराना, मतलब कहाँ पे हम लोग आ गए, बट हम लोग जैसे जैसे अंदर गए अलग अलग गलियों में घुसते गए वहाँ पे कलरफुल अच्छे अच्छे कैफे थे, तो देख कैसे लग रहा था कि हम यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करने जैसे कुछ तो बनाया है लोग ने। तो यहाँ पे हम लोग आए देखे बहुत लोग मॉर्निंग में ही फ़ोटो क्लिक करा रहे थे ऑलरेडी, बट हमने नहीं कराया, हम ऑलरेडी फ़ोटो अपना फुकेट में करवा लिए थे मैंने, तो सेम वैसा ही है ये भी। आप आ रहे हैं तो फ़ोटो क्लिक कराइए, कैफ़े भी जाना है तो कैफ़े ओपन रहता है बट आफ्टरनून में। और यहाँ पे चर्चेस भी बहुत सारे हैं, अगर आपको चर्च में भी जाना है तो आप जा सकते हो। ये सामने हम लोगों ने बहुत सुंदर सा चर्च देखा जो कि क्लोज था, मॉर्निंग का टाइम था। अगर आप आफ्टरनून में आ रहे हो तो होप्सो ये खुला हो तो आप जा सकते हैं। और ये देखिए ये गली भी थी जो अच्छी लगी थोड़ी बहुत। और यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा बहुत लोगों ने फ़ोटो क्लिक करा रहे थे, तो अगर आप भी आ रहे हैं तो फ़ोटो क्लिक कराइए और जाइए एंजॉय करिए। तो
तो गाइज अगर आप लोगों को कसिनो भी जाना है तो आप लोग इवनिंग में आइए, और क्योंकि कसिनो और ये सेम मतलब सेम ही है, सेम लेन में ही है, तो इससे जस्ट बाहर निकलोगे आप तो आप लोगों को कसिनो का पूरा लेन दिख जाएगा। तो और इवनिंग में अगर आपको, क्योंकि कसिनो रात में ही ज़्यादा करके होते हैं, हम तो मॉर्निंग में आए थे, तो कसिनो के लिए आप अगर आ रहे हो तो दोनों एक साथ में कवर कर लीजिए। शाम को यहाँ पे थोड़ा रश होता है, बहुत लोग आते हैं फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, बट आप लोगों का मतलब टाइम वेस्ट ना हो, दोनों सेम लेन में ही, इसलिए आप इवनिंग में आइए। तो देखिए अब हमारा हो गया ये सब देख के, तो हम जैसे ही बाहर निकलेंगे हमें सामने कसिनो का लेन दिखेगा। तो आप इसके जस्ट बाहर निकलते ही जैसे आप लोगों को दिखेगा ये पूरा किंग कसिनो है, यहाँ से पूरा स्टार्ट होता है कसिनो के लेन, और सबसे मतलब मैजेस्टिक प्राइड है जो सबसे अफोर्डेबल है, और आपको 1500 में वहाँ के एंट्री फीसेस है जो आप जा सकते हो 1500 में, और बाकी के चार्जेस बहुत हाई है, तो 2500 से 4500 से मतलब 4500 तक है स्टार्टिंग प्राइस। तो अगर आप जा रहे हो कसिनो तो एंजॉय करिए। और ये जो आप लोगों को दिख रहा है बिग डैडी, बिग डैडी बहुत ही मतलब अच्छा है, ये बहुत ही बड़ा है, और यहाँ का ये जो मतलब ये लोग ने बना रहे हैं, इन फ्यूचर में अगर आप आ रहे हो तो ये तो एक लैंड पे ही बना रहे हैं बोर्ड जैसा, ये एंट्री के लिए यहाँ पे है, थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे भी चालू हो जाएगा कसिनो का, और मेन इसका जो वो है वो यहाँ पे बनाया है लोग ने रिवर में। तो ये बोट जैसा दिखता तो बोट जैसा है, बट वो मतलब मूविंग बोट नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं गए, हम लोग को मूविंग बोट में जाना था, बट ये एक ही जगह पे पता चला कि एक ही जगह पे रहता है, मूविंग नहीं है इसका, इसलिए हम लोग नहीं गए कसिनो में। अगर आपको कसिनो ये सब खेलना है तो आप जा सकते हो अगर आपको पसंद है तो। और ये बहुत ही बेस्ट है डेल्टिन रॉयल, तो अगर आप जा रहे हैं बिग डैडी, डेल्टिन रॉयल ये सब बहुत ही अच्छे हैं, तो आप इसमें ही जाइए, बट ये सब के चार्जेस थोड़े हाई हैं। और ये जो मैजेस्टिक प्राइड है ये अफोर्डेबल है, आप 1500 में ही जा सकते हैं, आप लोगों को रूफटॉप भी मिल जाएगा इसमें, बाकी सब में नहीं मिलता है, प्रीमियम के लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। ये एक रिवर जैसे से बनाया और इसी के अंदर बना के रख दिया है। तो गाइस अगर आप मूविंग बोट का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो यहाँ पे आगे चल के वो लोग ने एक पोर्ट बनाया है, वहाँ पे वो लोग 1500 चार्ज लेते हैं, और ये एक पर डे का मतलब एक दिन का एक्टिविटी हो जाता है, जैसे कि आप लोगों को स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्किलिंग और ये सब स्विमिंग ये सब करने के लिए वो लोग लेके जाते हैं, और उसमें लंच भी देते हैं आप लोगों को, और अगर आप लोग लकी हो तो आप लोगों को डॉल्फिन भी देखने मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को मतलब बोट का एक्सपीरियंस लेना है मूविंग बोट का तो आप जा सकते हो 1500 डे के, वो भी काफ़ी अच्छा है, वो फुल डे का एक्टिविटी भी हो जाएगा आप लोगों का, और अगर आप लोगों को मतलब कसिनो वगैरह खेलना है तो आप ये सब में जा सकते हैं, बिग डैडी एंड ऑल में, और ये सब इवनिंग के टाइम पे ज़्यादा मस्त होता है, अच्छा होता है इवनिंग के टाइम पे ही आइए, पूरा लाइटिंग से वो लोग लगाए रहते हैं, बोट काफ़ी अच्छे दिखते हैं। होप सो गाइस आप लोगों को मेरे ये सब सारे वीडियो अच्छे लगे हो, और अगर आप लोगों ने मेरे गोवा के सारे व्लॉग नहीं देखे हो तो जल्दी से जाके देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, और आगे के साउथ गोवा के सारे वीडियो आने वाले हैं, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आप लोगों को आगे और भी साउथ गोवा में क्या क्या चीज़ें हैं घूमने के लिए, क्या क्या चीज़ें नहीं है वो लेके आऊँगी। और ये जो मैंने आप लोगों को बोला था ये बोट जाता है, ये यही बोट है जो आप लोगों को वन डे टूर के लिए लेके जाएंगे 1500 रुपीज़ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज़,